की कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए मोदी सरकार बड़ी तैयारी में लगी है। मोदी सरकार अब देश के बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के प्लान पर काम कर रही है। मोदी सरकार की योजना के मुताबिक अगले 10 साल में 50 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को खेती योग्य बनाया जाएगा। इससे करीब 75 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत में 2 से 13 सितंबर तक संयुक्त राष्ट्र सीसीडी कॉप 14 यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन सम्मेलन होने वाला है। इस सम्मेलन में खराब जमीन को कैसे उपजाऊ बनाया जाए इस पर चर्चा की जाएगी, जिसमें कई देशों के वैज्ञानिक अपने अपने इनोवेशन की प्रदर्शनी करेंगे। बंजर जमीन को खेती के योग्य बनाने के लिए केंद्र सरकार यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के साथ समझौता भी करेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश में इस समय 1.69 करोड़ हेक्टेयर बंजर जमीन है, जिसे खेती योग्य बनाने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 2 से 13 सितंबर तक भारत में होने वाले संयुक्त राष्ट्र सीसीडी कॉप 14 सम्मेलन में करीब 200 देश भाग लेंगे। इस सम्मेलन में करीब 100 देशों के मंत्री भी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। पूरी दुनिया दिल्ली डिक्लेरेशन को तरीके से फॉलो करे, इस पर भारत नजर भी रखेगा।